तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी और आप देख रहे हैं सिकंदर टैक फॉर यू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एक ही फ़ोन के अंदर दो व्हाट्सएप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो भी सिंपल और आसान तरीके से, बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल किए। यानी जैसे कि बहुत से लोग दोस्तों एक फ़ोन में दो व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए ड्यूल स्पेस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं या किसी दूसरे थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई क्लोन ऐप यूज़ करते हो। इन सारे ऐप्स यूज़ करने से दोस्तों कभी कभी व्हाट्सएप हैंग होता है या फ़ोन हैंग होने की दिक्कत आती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ किए आपको दो व्हाट्सएप यूज़ करना सिखाने वाला हूँ, जिसमें आपका फ़ोन हैंग भी नहीं होगा और आप काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से एक ही फ़ोन में दो व्हाट्सएप यूज़ कर पाओगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन, जानकारी जरा सी भी अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आता हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक फ़ोन में दो व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके प्ले स्टोर में जाना है। वो क्यों जाना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है आपके फ़ोन के दोस्तों प्ले स्टोर में आना है। उसके प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको व्हाट्सएप टाइप कर देना है और आपको देख लेना है आपका व्हाट्सएप ऐप अपडेट है या नहीं। अगर अपडेट नहीं है तो पहले आप उसको अपडेट कर लो। अपडेट करने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप ऐप ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपके फ़ोन के व्हाट्सएप पे राइट साइड में आपको तीन डॉट दिख रहे होंगे, तीन बिंदु, उस पर क्लिक कर देना है। उसे क्लिक करने के बाद आप उसमें कुछ सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में चले जाओगे, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, ये देख रहे हो QR कोड के बाजू में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा ऐड अकाउंट। ये देखो यहाँ पर दिखा हुआ है ऐड अकाउंट, ये ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको इस पर ऐड अकाउंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा, लिखा रहेगा एग्री एंड कंटिन्यू। तो अब आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको जो भी दूसरा नंबर डाल के आपको व्हाट्सएप चलाना है या जो भी आप नया रजिस्टर नंबर जिस नंबर पे आप दूसरा व्हाट्सएप चलाना चाहते हो आपको ये नंबर यहाँ पे डाल देना। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दूसरा व्हाट्सएप ऑन करके दिखा देता हूँ। चलिए फटाफट मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। नंबर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद आपके नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जैसे कि आपको खुद को आपको पता होगा ऑलरेडी। दोस्तों, हमारा नंबर यहाँ पे अब वेरीफाई हो चुका है और हमारा SMS जो OTP होता है, SMS आने के बाद OTP ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे बैकअप वगैरह पूछ रहा है तो हम यहाँ पे बैकअप वगैरह नहीं लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। मैं कुछ यहाँ पे इमोजी लगा देता हूँ और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे क्रिएट पास की तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। स्किप करके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरे दो व्हाट्सएप स्टार्ट हो चुके हैं। मेरा एक व्हाट्सएप ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, दूसरा व्हाट्सएप आपके सामने आ गया है। चाहिए तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे सेटिंग में और यहाँ पे आएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया स्विच योर अकाउंट, आप देख रहे होंगे स्विच योर अकाउंट। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा स्विच योर अकाउंट। ये देखो दोस्तों, मेरा अकाउंट स्विच हो गया, यानी जो मेरा परमानेंट नंबर है वो यहाँ पे आ गया। और मेरे को दोबारा अगर उसी अकाउंट में जाना है तो यहाँ पे दोबारा करूँगा स्विच योर अकाउंट, तो यहाँ पे मेरा दूसरा व्हाट्सअप स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक ही फ़ोन में मैंने दो व्हाट्सअप स्टार्ट किए, वो भी एक ही एप्लीकेशन में जो कि जेन्युइन ऐप है। मैंने यहाँ पे दो व्हाट्सअप चलाने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल नहीं किया। जो एक्चुअल व्हाट्सअप वाला ऐप है उसी के अंदर दोस्तों ये फीचर आ चुका है, जिसके माध्यम से आप एक ही फ़ोन में दो व्हाट्सअप चला सकते हो। दोस्तों, आई होप मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वायरी है, डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।